अमन यात्रा जो है कृष्ण भगवान के प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। आदि नाथ रब दर्शन खड़ा हूँ द्वार पे आकर। अच्छा, हमारे जितने भी व्यूवर है ना वो सब इंडियन है, ठीक है। उन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है पाकिस्तानी मंदिर देखने। तो हम अभी जा रहे हैं कृष्णा मंदिर और आप लोगों को कृष्णा मंदिर जो है वो विजिट कराएंगे। और हमारे तमाम यात्री जो हैं वो उतर चुके हैं बस के, और वो मुनीनाथ जी भी आगे जा रहा है और बाकी भाई भी आगे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने बने रहना हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। तो आप लोग आगे का व्यू भी चेक कर सकते हो। ये देखिए जितने भी हमारे यात्री थे वो सब जा रहे हैं, उनके साथ साथ जो हम भी जा रहे हैं। तो भाई चल के कृष्णा मंदिर आप लोगों को विजिट करवाते हैं। तो ये देख सकते हो तमाम यात्री जो है वो आ रहे हैं एक एक करके, और भाई जो है अभी ढोल भी बजाएंगे। तो ये रोटी शहर में जो हमारे जितने भी यात्री सब जा रहे हैं एक एक करके, और हम लोग कभी उनसे आगे हो जाते हैं कभी पीछे। और वो हमारी बस खड़ी हुई है और बाकी जो गाइस लड़के हैं वो भी ब्लॉग वो भी बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आप लोगों को भगवान कृष्ण के दर्शन करके भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को चल के हम लोग जो है वो कृष्णा मंदिर आप लोग विजिट करवाते हैं। और कम से कम जो है 150 से 200 लोग जो अभी आए हुए हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हमारे जितने भी यात्री जा रहे हैं और कुछ इस साइड पर भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। जय श्री कृष्ण। आप मंदिर की तरफ चल के आपको वहाँ के वो मंदिर का कुछ मेन मंदिर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो ऊपर ओम भी लिखा हुआ है। और ये हमारे जितने भी यात्री हैं वो धीरे धीरे से प्रवेश हो रहे हैं, आप लोग देख रखे हैं। ऑलरेडी पहले से भी कुछ यात्री जो आए हुए थे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। ढोलों के साथ स्वागत करते हुए अभी मेरी बात सही चली आ रही है। ये देख सकते हो इस तरह से कुछ यात्री जो है वो यहाँ आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत व्यू दिख रहा है, और हमें सब भगवानों की जो है मूर्तियाँ वगैरह यहाँ देखने को मिल रही है, जैसे श्री राम हो गए, महादेव जी हो गए, और माता शेरों वाली श्री कृष्ण भगवान। गाइस देख सकते हो इस तरह से कुछ ये यहाँ का व्यू है। ये यहाँ जितने भी संत महात्मा हो गुजर चुके हैं उनकी कुछ पिक्चरें जो है आप लोगों को दिख रही है। तो गाइस ये इस तरह से कुछ पंखे वगैरह लगे हुए हैं, और ये छत का व्यू है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हो इस तरह से ऊपर का व्यू जो है वो पूरा का पूरा। और ये भगवान श्री कृष्ण का जो मेन मूर्तियाँ हैं, ये दो इस तरफ से भगवान की मूर्तियाँ, और ये इस तरफ जो है भगवान श्री राम जी, और वो सामने जो हनुमान जी बैठे हुए हैं और सीता माता। और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ देखने के लिए। और ऊपर एक फॉर्म लिखा हुआ है। ये गोमदनाथ जी जो है इन्होंने भी पूजा की है। जय श्री राम गोमदनाथ जी। हाँ जी, तो बताइए कैसी लगी आपको ये यात्रा? सर तो बहुत आनंद आया। अभी हम पहली यात्रा और कृष्ण मंदिर घोटकी में हैं जी, तो बड़ी अमन से और सुकून आए हैं कृष्ण भगवान की दया से, और हम जो देवी देवता उनकी कृपा से बिल्कुल और सुकून आए हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं और मेल भी है फीमेल भी हैं, और बहुत पुरसकून से आए हैं। तो प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान के आगे, अमन यात्रा जो है कृष्ण भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी करें। जो भी हमारे साथ बहन बेटी भाई छोटे बड़े संत आए हुए हैं उनकी सबकी मनोकामना कृष्ण भगवान पूरी करें, इनके कष्ट दूर करें, इनके जो है ज़िंदगी के मुश्किल हैं वो मुश्किल जो है दूर करें। अपने सब मेरे यात्रियों की कृष्ण भगवान के आगे प्रार्थना है मेरी ता दिल से, कि मेरे यात्रियों की पूरी मनोकामना जो हर मनोकामना पूरी करे कृष्ण भगवान की कृपा से। अभी हम पहला दर्शन और पहला जो हमारा यात्रा जो है कृष्ण भगवान जी इस तरह से जो है वो ये मंदिर की बैक साइड है, आप लोग देख सकते हो। और ये भी एक कंस जी को कृष्ण भगवान मार रहे हैं, तो तस्वीर की सूरत में भगवान शिव का जो है मूर्त है, और यहाँ पर जल वगैरह आके चढ़ाया करते। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे।
शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे है सुना ये धरती तू चलता। तो ये इस तरह से जो है हमने शिव भगवान को जल अर्पण किया है। तो अब आगे ये माता की मूर्ति आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये जो है वो दीपक जल रहा आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हम लोग प्रसादी लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो ये भाई जो है अभी प्रसादी बांध रहे हैं। यहाँ से जितने भी हमारे यात्री आ रहे हैं तो वो सब एक एक करके प्रसादी लेके जा रहे हैं। तो हमें यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी है और हमें बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ आके अपने मंदिरों पे। और जैसे जैसे हम लोग आगे घर वगैरह भी यहाँ दिया जाता है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। तो जैसे लंगर का टाइम होगा तो अगर वहीं यहाँ रहे तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। जो है कृष्णा मंदिर है, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और हमें सपोर्ट करनी है ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसे ही अपने जितने भी हिंदू टेम्पल्स वो आप लोगों को एक्सप्लोर कर सकें और ऐसे ही नए से नए हम लोग जो है वो लोग बनाते हैं। श्री राम भाई, जय श्री राम। तो ये मंदिर जो है ये मेले के दौरान ही होता है, ये यहाँ लंगर पानी जो है 24 घंटे या साल भर चलता रहता है। यहाँ जो है चावल प्रसाद चलती रहती है ये 12 महीने यानी जो, और जन्माष्टमी प्रोग्राम होता है। अच्छा, सारा दिन रात को। जी जी, वैसे ऐसे गीता सम्मेलन होता है। मतलब यहाँ ये द्वार खुले रहते हैं जब भी यात्री आए। हाँ, खुला रहता है, कोई सत्संग होती है, आरती होती है। ठीक ठीक, तो अभी वो हो गया आज सत्संग, हम भी गाते हैं। अच्छा, आप भी गाते हैं। हाँ। तो प्रसाद ले लो भाई। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। ये जो है ना, जी जी, ये धाम जो है सारी दुनिया में श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण जो है इसके बराबर कोई नहीं, संत हो या महात्मा हो या देवी हो देवता हो, ये सबसे ऊपर इसका मकान। अच्छा, हमारे जितने भी व्यूअर है ना वो सब इंडियन है, ठीक है। उन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है पाकिस्तानी मंदिर देखने की, हिंदू भाइयों को देखने की। अच्छा, तो आप उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो? हमारा ये मैसेज है, प्रेम हो, प्यार हो, जहाँ भी रहो खुश रहो, खुश रहो। क्योंकि उन लोगों को ना बहुत एक्साइटमेंट होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स वगैरह मंदिर वगैरह देखने की। हाँ। तो वो हमें कहते हैं कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आप लोग जाके हमारे जितने भी हिंदू टेम्पल हैं, ताकि हम आ नहीं सकते तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से देख पाए। हमारे जहाँ भी हिंदू रहते पूरी दुनिया में सब खुश रहे और ठीक रहे, भगवान की दया कृपा बनी रहे। हाँ, और यहाँ मतलब यहाँ है तो उनका मोस्ट वेलकम है हम लोग उनका। हमारे यही है, जय श्री राम, हरे कृष्ण, हरे राम। जी दादू, चले कुछ अपना भजन वगैरह जो है हमें सुना दीजिए। सुनाएं भजन? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। अच्छा। मिलके और मंदिर का दर्शन करके। स्वामी ब्रह्मानंद का शब्द है जी, दिला दे नाथ अब दर्शन, खड़ा हूँ द्वार पे आकर। जी जी, दिला दे नाथ अब दर्शन, खड़ा हूँ द्वार पे आकर। सुना जग बीच में तेरा, जभी से नाम बहुत आ रहा। दिला दे नाथ अब दर्शन, खड़ा हूँ द्वार पे आकर। हरगिज हूँ लायक नहीं अगर तेरी दरबार में का, क्षमा कर दोष को मेरे दया दिल बीच में लाकर। दिला दे नाथ अब दर्शन, खड़ा हूँ द्वार पे आकर। न मांगू भोग दुनिया के, न वाचा मोक्ष की, केवल तेरी दरबार में मुझको बना ले चरण का चाकर। न जाऊँ द्वार का नगरी, न मथुरा ढूंढने तुझको, वो ब्रह्मानंद घट घट दिखा दे रूप करुणा कर। घट घट के अंदर में भगवान बैठा है हमारे इंसान के अंदर में, बाहर तो है नहीं, वो जगह नहीं जहाँ ईश्वर नहीं, ईश्वर अभी भी मौजूद है बिल्कुल हर जगह हमारे हृदय में है वो बिल्कुल। न जाऊं द्वार का नगरी, न मत वो ब्रह्मानंद घट घट दिखा दे रूप करुणा कर। ये दया कर करके हमको ये अपना रूप देखा, तुम घट घट में समाये हुए। इस भजन का अर्थ ये है, हमारे संत महात्मा में कोई कमी नहीं, हमारे संतों की बाणी है वो ईश्वर की बाणी है और रामायण से बाहर नहीं बिल्कुल। यही हमारी भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ कलयुग में उत्तम ये है सत्संग, भक्ति मार्ग। तो ये बताएं जो अभी ये यात्री ऊपर जा रहे हैं, यहाँ कोई मंदिर वगैरह है या वो वैसे ये रहने के लिए जो आते हैं? अच्छा अच्छा, रूम वगैरह जो यात्री आते हैं, मतलब साईं युधिष्ठिर लाल आता है जी जी इंडिया से, हयात पिता भी साईं इंडिया वो आते हैं, उनके साथ जो आते हैं ना जत्था वो मुरीद साथ आते हैं ना चेले, वो इधर रहते हैं। मतलब आम दिनों में यात्री यहाँ आ जाते हैं तो उनको भी रहने के लिए राशि तो मिलती है, बंदोबस्त है। ठीक है ठीक है, चले मैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों से मिलके, अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा। तो गाइस, अभी हमने जैसे भाई से मिले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों का प्रबंध देख के हमें इतना सुकून मिला। नेट पे छोड़ रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो गाइस, ये हम लोग ना अभी यहाँ से जा रहे हैं और जाके आप लोगों को ऊपर का व्यू भी देंगे, जहाँ
यात्री अगर मेले के दौरान ना और वैसे आए तो उनको रिहाइश वगैरह दी जाती है। और ये उन लोगों के क्वार्टर है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ वो आराम से रहते हैं, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, जितना समय रह सकते हैं ये रहने वाले। तो मैं चल के आप लोगों को इनका भी व्यू देता हूँ ऊपर का, तो आप लोगों ने वीडियो पे बने रहना। और भाई की जो बात अभी आप लोगों ने सुनी है, भजन सुना रहा था। तो भाई मैं फिर जो है वो एक भजन सुनाने वाला, और हम लोग जा रहे हैं भाई की तरफ और भाई से भजन सुनते हैं, तो फिर जाके ऊपर का व्यू जो है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी गोमतनाथ और मुनीरनाथ जी जो वहाँ बैठे हुए हैं, तो भाई तो गाइज आज आप लोग मिलाने वाला हूँ हमारे पाकिस्तान के जो न्यू यूट्यूबर हैं इन सब से। जय श्री कृष्णा। तो ये हमारे जितने भी यात्री हमारे साथ आए हुए हैं, अब आगे हम लोग सब साथ जाएंगे और आप लोगों को वो ऊपर जो व्यू है ना जहाँ रिहाइश वगैरह, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी भाई ने, मैं जा रहा था, मुझे बुलाया कि आओ आपको एक भजन सुनाएंगे, तो हमने वो भजन बनाना, आप सब भी रेडी हो जाएँ। तो चलें, वो भाई जो अभी भजन गाने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। तो गाइज़ ये अभी ना बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि ये भाई जो है हमें प्यारा सा एक भजन सुनाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का। और मुनीरनाथ जी, गोमतनाथ जी और हमारे तमाम यात्री जो हैं वो सब एक साथ खड़े हुए हैं, अभी बैठ के यहाँ जो है वो भजन सुनेंगे, सत्संग करेंगे। तो आज की यात्रा जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब हम श्री कृष्ण भगवान जी के भजन वगैरह गाएँगे। मालिक तेरा वही है, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, ईश्वर को जान बंदे। भूमि अगल पर सागर बहार बने में, उसकी सभी भवन में छाया जहाँ मतलब के सब यात्री जो आते हैं रहते हैं, बड़े बड़े संत वगैरह आते हैं तो वो सब रहते हैं। तो जितना हो सकता मैं आप लोगों को जो है यहाँ का व्यू भी आप लोगों को शेयर करूँगा। और यहाँ से हम अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से जो है वो मंदिर का व्यू दिखता है, आप लोग देख सकते हो। तो ये मंदिर का व्यू है और सब यात्री जो हमारे जा रहे हैं तो हम भी जो है नीचे जा रहे हैं। तो जय श्री कृष्ण। तो ये जो गाइस यात्री जो है अभी और भी आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, और हम लोग जो जा रहे हैं। तो ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये कहते हैं ये मंदिर जो है घोटकी मंदिर है, कृष्णा मंदिर है, तो यहाँ सभी जो यात्री वो आते रहते हैं। तो हमारे यात्री तो आप लोगों ने देख लिए, श्री कृष्णा, ये भी सेवादारी इधर रहते हैं इधर का, ये हमारा। तो गाइस ये हमारे हिंदू भाई हैं, आप लोग देख सकते हो, मंदिर के सेवादारी है और भगत भी है। तो अभी हमारे बस के तमाम यात्री जो जा चुके हैं, वरना हम इन लोगों से और जानते यहाँ के मंदिर के बारे में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जय श्री कृष्णा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपको। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हाँ बिल्कुल। तो ये देखो गाइस अभी यहाँ गीता भागवत भी बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, मुनीरनाथ वाले जो है वो निकल चुके हैं। तो गाइस ये तमाम सिटी और घर जो दिख रहे हैं आप लोगों को, इनमें तकरीबन 90% जो है वो हिंदू लोग ही रहते हैं। और अभी हमारे साथ के यात्री वो जा रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा।